दोस्तों एक ऐसी मछली जो पूरे भारत में 350 रुपये से लेकर के 500 रुपये किलो तक आसानी से बिक जाता है। और एक ऐसी मछली है, आप छोटे से छोटे तालाब में, चाहे बैकयार्ड फिश फार्मिंग की बात करूँ या छोटे तालाब की बात करूँ, उसमें इजीली इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जानेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मछली के बारे में, ज़बरदस्त फ्लेवर, ज़बरदस्त प्रॉफिट वाली। टेंगड़ा फिश बोलते हैं इसको, कई जगह टेंगना बोलते हैं, मेरे यहाँ टेंगना बोलते हैं छत्तीसगढ़ में खास करके, और बहुत जगह इसको टांगड़ा भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम जानते हैं, आपके एरिया में क्या बोलते हैं मुझे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊँ तो सर बिल्कुल चर्चा करूँ कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है। छोटी सी मछली है देखने में, पर प्रॉफिट अच्छा दे जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर पास सोच लीजिए, अगर आपके पास जो 1000 स्क्वायर फीट का तालाब हो या फिर उससे थोड़ी बड़ी 1 एकड़ का भी हो, तब भी आप इसकी इजली खेती कर सकते हैं। और पोन लाइनर हो या बायोफ्लॉक हो, इसमें भी आप चाहे तो इसकी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोदो फिश फार्मिंग इंडिया में। आज कुछ इंटरेस्टिंग का बताएंगे, वीडियो में बन रही है हमारे साथ, ताकि हम लोग चर्चा कर पाए कि आखिर टेंगड़ा फिश फार्मिंग के लिए कितना बड़ा आपको तालाब चाहिए, और टेंगड़ा का जो सीड है वो कहाँ आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ टेंगड़ा फिश फार्मिंग में कितना बजट आपको लग सकता है, और ज़रूरी इसकी चीज़ है कि टेंगड़ा के जो फीड का जो मैनेजमेंट है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले ही बता दें कि हमारे देश में देखिए जो टेंगड़ा मछली है, इसका 3 वेराइटीज़ मोस्टली पाए जाते हैं। एक तो आपका देसी टेंगड़ा जो छोटे साइज का होता है, और उसके बाद हमारे तरफ इसे चिरमिरी टेंगड़ा बोलते हैं, मतलब इसे काटने से बहुत जलता है, कांटा जब लगता है तो, है ना। दूसरा इसका गुलसा टेंगड़ा, मोस्टली मार्केट में ये दिख जाएगा आपको। और तीसरा आपका है जो नोना टेंगड़ा। तो ये जो तीनों टेंगड़ा हैं, तो देसी टेंगड़ा की बात करें, देखिए ढेर सारे सालों से नदी तालाब में ये पहले तो पाई जाती थी, आज तो कई जगह नदी का जहाँ सोर्स नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, मगर मोस्टली जहाँ नदियों से इंटरकनेक्टेड है उन जगहों पर आपको देखना मिल जाएगा। साइज छोटा रहता है पर बहुत टेस्टी रहता है। इसका साइज मान के चलिए लगभग 20-30 ग्राम के आसपास का आप मान के चल सकते हैं इसको, पर ये भी अच्छा खासा रेट जाता है, 300 रुपये 250 रुपये किलो इजीली आप मार्केट में बेच सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें गुलसा टेंगड़ा की या नोना टेंगड़ा की, तो देखिए ये मार्केट में आपको 450-500 रुपये तक आपको मार्केट में इजीली भाव मिल जाएगा। और मार्केटेबल इसका जो साइज रहेगा वो नॉर्मल जो देसी टेंगड़ा रहता है इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब सवाल आता है कि आखिर आप ये जो टेंगड़ा मछली है इसकी खेती करने के लिए कितना बड़ा तालाब चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं वीडियो में पहले बोल चुका हूँ, यदि 1000 स्क्वायर फीट है तब भी इसको फार्मिंग कर सकते हैं, और 1 एकड़ का तालाब है तब भी इसको आप आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। जितना तालाब छोटा रहेगा इसकी देखरेख उतनी ही आसान होने वाली है। तो अगर मैं स्टॉकिंग की बात करूँ, तो देखिए सपोज मान के चलिए आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है या है ना, तो आप क्या करें उसमें 30 से 40,000 फीट तो आप बिजली आप स्टॉक कर सकते हैं। तो आप एरिया को 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से मेजरमेंट आप कर लीजिएगा। पर हाँ थोड़ा सा हाई डेंसिटी की बात करें, तो देखिए हाई डेंसिटी भी जा सकते हैं, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, एयर ब्रीदर मछली है, विदाउट इरिगेशन भी पाल सकते हैं, लेकिन जैसे आप डेंसिटी को बढ़ाएंगे आपको एयर पंप की ज़रूरत होगी। यदि मैं विदाउट इरिगेशन की बात करूँ तो इसका आधा रख लीजिएगा, प्रति 10,000 स्क्वायर फीट आप 20,000 मछली लीजिएगा, और जैसे आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो उस हिसाब से गेस लगा लीजिएगा कि 1000 स्क्वायर फीट में कितनी आपकी मछली आएगी। लगभग मैंने आपको साइज बता दिए विथ एरिएशन और एरिएशन, तो आप दोनों तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सपोज आपके पास बड़ा तालाब है, तो देखिए बड़ा तालाब में प्योर टेंगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा IMC जब भी आप डालते हैं तो उसके साथ साथ इसका पॉलीकल्चर कीजिएगा। यानी कि आपके पास यदि 1 एकड़ का तालाब है तो जैसे आप IMC कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, जो रेशियो आपका 30-40-40 या 60-20-20 का जो रेशियो है, ऐसा भी फार्मूला अपना सकते हैं। तो इसमें आप 10 से लेकर 15,000 मछली तो बिजली छोड़ सकते हैं IMC के साथ साथ। तो देखिए टेंगड़ा मछली में क्या फ़ायदा होगा आपको, ये इसका जो फीडिंग का लेयर है वो आपका डिफरेंट रहेगा, इसलिए किसी मछली के साथ इसका फार्मिंग आप कर सकते हैं। जैसे आपका बंगास मछली के साथ हो गया, आपका IMC के साथ हो गया, EMC के साथ हो गया, चाहे तो आप तिलापिया के साथ भी इसकी फार्मिंग आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर फीड की बात की जाए, तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा कोई फीडिंग का मेथड अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो जैसे आप अगर IMC का फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो आप फीड देंगे उनका जो वेस्ट बचेगा उसी को मछली खा करके बड़ी हो जाती है। मछली अपने खाने का लगभग 30% तक हिस्सा अपने बॉडी में ले पाती है, तो आप जान ही रहे हो।
तो जो मछली खा करके वेस्टेज बचाएगी उसमें ऑलरेडी एनर्जी रहता है, उसको खा करके टेंगरा मछली बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और पानी सपोज आपका गंदा हो रहा है, तो देखिए ये भी कोई इसके लिए बड़ी समस्या नहीं है, तो गंदे पानी भी इजिली सर्वाइव कर जाती है, तो इसलिए इसका फार्मिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इसका सीड मिलेगा? तो मिलेगा। तो देखिए सीड मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ये, और आप चाहे तो हमें नंबर फ्लेस हो रहा है कोई तो फिस्फा मीडिया पे आप सर्च कर लीजिए, आप हमें कॉल कर लीजिए, बिल्कुल हम आपके लिए सीड अरेंज करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको थोड़ा डिस्काउंट चाहिए तो JY05 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो हो सकता है आपको साल भर का कंसल्टेंसी फ्री मिल जाएगा प्लस डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर ना करें, कस्टमर केयर पर फ़ोन करें, JY05 कोड का यूज करें। अब आते हैं तालाब के प्रिपरेशन में। तो देखिए दोस्तों, तालाब प्रिपरेशन लगभग हर मछली में लगभग लगभग आपका समान होगा, है ना? तो यदि आप तालाब में नेचुरल फीड का डेवलपमेंट कर लेंगे तो खाना बहुत कम लगेगा, इतना श्योर है। तो 10,000 फीट का जो आपका एरिया है उसमें देखिए चूने का जो इस्तेमाल है, गोबर का इस्तेमाल है, इन सब का इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पानी को कैसे तैयार करें, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि तालाब के पानी को हरा कैसे करें, यानी कि फाइटोप्लैंकटन कैसे तैयार करें। ये आई देख लीजिए आई बटन में, ऊपर मैं आई बटन में डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ से इस वीडियो को देख लीजिए, देख करके समझ लीजिएगा। तो जैसे ही आपका ये वाटर प्रिपेयर हो जाएगा, आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी जब आपका ग्रीनिश हो जाए पूरी तरीके से, तो आप सरसों की खली को भिगा करके या मूंगफली की खली को भिगा करके या कोई ऐसे भी खाने की चीज़ें जिससे जूबलेंटान तैयार होती है, इसको आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ऑनलाइन भी आप ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, उन प्लेटफॉर्म में आपको ये दोनों आपको फाइटोप्लैंकटन जूबलेंटान दोनों इजीली मिल जाते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेजन से आप मंगा लीजिएगा, अब मंगा करके उसका छिड़काव कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद आप यदि फीडिंग करने का सोच रहे हैं तो देखिए 7 से 8% ये क्या बोलते हैं आप बॉडी वेट का 7 से 8% तक आपको फीडिंग करानी पड़ सकती है, और जब मछली थोड़ी बड़ी होगी तो 3 से 4% बॉडी वेट का आप फीड दे सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से इसकी फीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, टेंगरा मछली का जो कल्चर है ये मोस्टली समझ लिए मोटा माटी 6 महीने का होता है, और इसका मार्केट रेट आपको बता ही चुका हूँ, 300 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, 500 रुपये तक तो बिक ही जाता है। तो इस मछली से आप अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि इस साल क्यों ना मैं भी टेंगरा मछली का फार्मिंग पोन लैंडर से शुरू करूँ। तो यदि आपको रिसर्च को देखनी है कि ये किस ओर जा रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका डिटेल वीडियो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। आपका ये जो वीडियो सभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, कैमरे के पीछे मैं हूँ पुष्पक राठिया, और वीडियो का स्क्रिप्ट आपके लिए लिखा था सुदीप्त दास जी ने। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।